हेलो एवरीवन, फेस्टिवल का सीज़न आ चुका है तो क्यों ना आज कुछ मीठा हो जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बर्फी। काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है, आप कुछ ही मिनटों में बिल्कुल मार्केट जैसे कोकोनट बर्फी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम नारियल को दूध के साथ सोक करने वाले हैं, लेकिन फ्रेश कोकोनट में आपको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है लगभग एक कटोरी दूध, सेम साइज़ की कटोरी है ये, 200 ml के बराबर है ये। अब इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे आधे घंटे के लिए ढक कर छोड़ देंगे ताकि दूध अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए और फ्रेश कोकोनट वाला टेक्सचर हो जाए। तो आधा घंटा हो चुका है और कोकोनट ने पूरा मिल्क एब्जॉर्ब कर लिया, आप देख सकते हैं। इससे होगा ये कि जब हम बर्फ़ी बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी और दांतों के अंदर चिपकेगी भी नहीं। अब हम पैन गरम कर लेते हैं, उसमें एक टीस्पून घी डालेंगे। घी इसे एक बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा और दूध में सोक किया हुआ कोकोनट इसमें डाल देंगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पर तब तक भुनना है जब तक कि दूध पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए, इसे छोड़कर आप कहीं भी मत जाइए, नहीं तो कोकोनट के जलने के बहुत चांसेस हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें घी क्यों डाला है, हालांकि कोकोनट में अपना ऑयल होता है, फिर भी घी डालने से इसे एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलता है। तो कोकोनट धीरे धीरे भुन रहा है और दूध भी सूख रहा है। इसे चलाते हुए मुझे करीब 5 मिनट हो चुके हैं। और कोकोनट का मिल्क पूरी तरह सूख चुका है और कोकोनट भी भुन चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मल चाय में जो यूज़ करते हैं वो मिल्क पाउडर है। करीब 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही आधी कटोरी चीनी, लगभग 50 ग्राम्स के करीब है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और करीब 1 टेबलस्पून कैस्यू नट पाउडर है। मैंने 4-5 काजू को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, उसका पाउडर बना लिया है। इससे इसे बहुत बढ़िया फ्लेवर मिलता है। और वापस इसे हमें थोड़ा और भुनना है। आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी डालेंगे तो चीनी मेल्ट होगी तो थोड़ा गीला हो जाएगा ये। अगर आपको और स्वीट्स की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक कोकोनट को हमें भूनना है। मैंने इसमें कोई इलायची पाउडर वगैरह यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे कोकोनट का एक्चुअल फ्लेवर ही बहुत पसंद है। तो कोकोनट धीरे धीरे भून चुका है, हाँ इसने पैन भी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बर्फ़ी वाली कंसिस्टेंसी हो गई है और बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद करते हैं और इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे इस पैन में नहीं छोड़िए, नहीं तो कोकोनट बर्फ़ी थोड़ी हार्ड हो सकती है। और मैंने थोड़ा घी लगाकर एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम बर्फ़ी निकालें तो वो इस पे चिपके नहीं। और अभी हम बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे किसी स्पैचुला या नाइफ की हेल्प से सब तरफ से अच्छी तरह फ्लैट कर देंगे, इस तरह से सब तरफ से समेटते हुए इसे ऊपर से पूरा फ्लैट कर देना है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने देना है। इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप
उसके बाद इसे किसी नाइफ की हेल्प से आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसे किसी खास ओकेजन के लिए या फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अब हम इसे बर्फी के शेप में काट लेंगे और इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो लीजिए, हमारी कोकोनट बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। इस बर्फी को आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज के बाहर रख सकते हैं और 5 से 6 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर आप खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।